श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमारे बीच में मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों के बीच में समय दिया माननीय मंत्री जी ने। आगे मैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष द्वय माननीय चौधरी झल्लो राम जी और चौधरी वल्लभ प्रसाद जी कल्याण जी, जो मेरे अपने बुजुर्ग भी हैं। हमारे इस मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ओजस्वी वक्ता ब्रज बहादुर जी, चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी हरिबाबू जी, हमारे पुराने मित्र जत्तू गुरु जी, मयंक गुलजार जी, आकाश पारस, वीर जी, सोनू चौधरी जी, विनोद इलाहाबादी जी, और इस सम्मेलन के पुरोधा कमल सिंह हमारे छोटे भाई। इससे पहले ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था और मैं उस सम्मेलन को निकल के जा रहा था। हेमंत शर्मा जी आए, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा एक रूट मार्च है उसमें जा रहा हूं। बोले आपका समाज आ रहा है इसलिए रुक जाओ, वाल्मीकि समाज का सम्मेलन। क्योंकि आप सबने मुझे आगरा में वो श्रेय दिया है, जो श्रेय दिया उसी का परिणाम था कि हेमेंद्र जी ने मुझसे कहा कि आपके समाज का सम्मेलन है। और आज जो अधिकतर कमल वाल्मीकि जब उद्बोधन में मुझे संबोधित करते हैं वो ना करके उससे आगे बढ़ गए। पहले करते थे कि पंडित योगेंद्र उपाध्याय वाल्मीकि, लेकिन आज उन्होंने मुझे चौधरी बना दिया। भैया मुझे भाई रहने दो अपना। सामने बैठे मेरे परिवार के सदस्य, हमारा चुनाव चिन्ह कमल है और आपका नेता कमल है। इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब कमल के ही पुराने अनुयायी हैं। दीपक के समय से जो आपने हम लोग है, यह इस बात का प्रतीक है कि आज आगरा की गौ सीटें हमारे पास। मित्रों, वो दृश्य भी हम भूले नहीं है जब हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कुंभ में देखा जो सफाई व्यवस्था स्वच्छता थी, तो प्रभावित हो गए, अभिभूत हो गए थे और उन्होंने उनके पुरोधा जिन्होंने इतने बड़ी सौगात प्रस्तुत की थी उनके चरण धोकर अपनी वंदन किया था, नमन किया था। यह कार्य कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है जो आपके हृदय में रहता है, आपको अपने हृदय में रखता है। मित्रों, ये चुनाव एक बहुत बड़े मोड़ पर हो रहा है। राजनीति किधर जाएगी यह तय करने वाला चुनाव है। यह चुनाव इसका चुनाव नहीं है कि ये मेरी बिरादर का है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा धर्म का है। ये चुनाव है इस बात का कि एक तरफ एक व्यक्ति कहता है मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और बड़े समर्थन उसके लोग खड़े हो जाते हैं या मौन रहते हैं, मौन स्वीकृति रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कोई बोलता नहीं, कितनी बड़ी बात बोलता है वो।
मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक तरफ राजनीति ये खड़ी है और दूसरी तरफ राजनीति, मेरा नेता मोदी लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवा लेता है। दूसरी राजनीति वो है, मेरा सीना 56 इंची का होता है जब मैं देखता हूं, हर भारतवासी का सीना 56 इंची का हो जाता है। दूसरी तरफ वो राजनीति खड़ी है, कौन सी राजनीति स्थापित करनी है। ये छोटा चुनाव नहीं है मित्रों, पार्षद को छोटा चुनाव नहीं होता, नींव लोकतंत्र की नींव है पार्षद, जांच भवन की नहीं नींव की होनी चाहिए। और आज उस नींव को आप मजबूत करने के लिए चुनाव हो रहा है, आप सबका सहयोग दिख रहा है कि आप सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मित्रों, आपको वही मान सम्मान हमेशा मिलेगा जो हमारे पुराने साथियों को मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेंद्रवाणी। भारत सरकार में मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस मंच के माध्यम